दरअसल सब आप थक गए और जी रहे हैं। तो आज मैं गोवर्धन पीठ और यहाँ पे मैं नीचे मंदिर में हूँ। तो नमस्ते बोल जी। सब बात सब फरमाए। उड़ीसा के एक जगह जिला है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। वो तो इंग्रेज शासन था, इंग्रेज शासन समय का जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मंदिर में जो युद्ध होता है वो हमारा ब्राह्मण समाज वो हमारा भगवान को ले जाएंगे वो चुरा कर ले जाएंगे। उनको एक सोनपुर जगह है उनको पाताली कर दिया जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को पाताली कर दिया। पाताली का बाद 150 साल मंदिर खाली था, मंदिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नहीं था। हमारे शिव शंकर का अवतार लेगी वो आदि शंकराचार्य उद्भवन का बाद वो आदि शंकराचार्य वो उड़ीसा के जगह जाएगी जाने के लिए यहाँ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को उद्धार करता है। ऑटो नहीं उठाई ऑटो उठाएंगे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को उद्धार करता है, उद्धार करके फिर यहाँ बैठा करता है। और यहाँ आदि शंकराचार्य जितना समय का आया था यहाँ गोवर्धन नाम से गोवर्धन एक टोटाली शालिग्राम का विग्रह वही समय के 2500 साल के समय का ये गोवर्धनाथ को बैठा करता है। वो अर्धनारीश्वर को बैठा करता है। वो माताजी कमला को बैठा करता है। और यहाँ जितना समय का उनका कुछ हुआ 12 साल, 12 साल में समूह नदी किनारे गया था माँ के लिए साथ में। वो एक मगर धरता है आदि शंकराचार्य से, माँ को बोला हम यदि संन्यासी कर देंगे उनको मगर छोड़ के चल जाएंगे। माँ बोला इन तो मगर का पेट में खाई देता है और क्यों करता है ना, हम वो सत्य कर देता है। वो सत्य करने से वो छोड़ के मगर चल गया। वही बारे में और बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बात करता है। वो समय नहीं और इतना समय का बात करके उनको रखिए। नहीं वो बाबा ये सब काम नहीं होगा। 2500 ईयर्स पुराना। अभी भी जैसे यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है वैसे देखिए यहाँ पर एकदम नीचे ही पानी है, देख सकते हैं ये पानी है। वहाँ पे बैठ जाना। अन्यथा शरणं नास्ति, तवैव शरणं मम असमादकारि।
Thank you.